अमय जी बहुत बहुत स्वागत है, कैसे हैं आप? बहुत अच्छा, बताइए क्या बात है। इस ड्रेस में और इस चारों तरफ से पहाड़ियों से घिरे हुए इस ब्रिज के पास आप क्या कर रहे हैं, बताएं हम दर्शकों को। हम शूट कर रहे हैं एक फिल्म का, कश्मीर ऑफ एनिग्मा ऑफ पैराडाइज। वाह क्या बात है। पहले बधाई हो इस फिल्म का हिस्सा बनने के लिए। आपको इस फिल्म के बारे में और क्या जानकारी दे सकते हैं आप? फिल्म जो है कश्मीर बेस्ड है। कश्मीर में हमारी जो टीम बटालियन थी और उधर से जो पाकिस्तानी सेना थी, उन्होंने कोशिश की थी कि कश्मीर को हम अपना बाकी का जो हिस्सा है उसको हम हथिया लेंगे। राइट। हमने पूरी कोशिश करके इस फिल्म के माध्यम से उनके हाथों से बचाया उसको। वो काफ़ी लोग थे, हम सिर्फ 100 थे, वो 6000 थे। एक बार बोले भारत माता की, भारत माता की जय। तो फिल्म के जो डायरेक्टर है हमारे अतुल गर्ग जी हैं, कैसा लगा उनके साथ काम करके आपको? बहुत ही इंसान है, बहुत ही कोऑपरेटिव है, काफ़ी अच्छे से हैंडल करते हैं, अच्छे से बताते हैं, समझाते हैं, और बहुत मज़ा आया उनके साथ काम करके। कैसा लगा इस खूबसूरत वादियों में यहाँ के निवासियों के साथ वर्क करके? यहाँ के निवासी बहुत अच्छे हैं, किस तरह से रहते हैं यहाँ पे, मैं बड़ा ताज्जुब हूँ कि इतने ऊपर पहाड़ हैं, बर्फ़ के पहाड़ हैं, उनके बीच उनको रहना, उनको गुजारा करना बहुत सख्त है। बहुत तकलीफ देह होगा जब बर्फ़ पड़ती होगी ठंड में, कैसे सर्वाइव करते होंगे, लेकिन हिम्मत की बात देते हैं। आप अपने कुछ कलाकारों का नाम लेना चाहेंगे जो इससे जुड़े हुए हैं? हाँ बिल्कुल, मेरे साथ के ही हैं अंशुल त्यागी जी, मेरे साथ हैं अहमद खान, वो अंशुल त्यागी जी राजेंद्र जी का ब्रिगेडियर राजेंद्र जी का रोल कर रहे हैं, मैं मेजर स्वरूप का रोल प्ले कर रहा हूँ। हम दोनों का बहुत अच्छा, एक हैं शमशेर खान का रोल प्ले कर रहे हैं जो पाकिस्तानी सेना के एक मेजर कहते हैं अपने आप को, और नितिन जी को भी बहुत अच्छे कलाकार हैं और शौक चल रहा है पीछे। बात ये तो कलाकारों की हो गई, अगर हिंदुस्तान पाकिस्तान की बॉर्डर की बात करें और अगर आप हिंदुस्तान की तरफ से एज ए फौजी लड़ने के लिए अगर मौका दिया जाए तो क्या कुछ कहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा कि हिंदुस्तान में किसी दूसरी कंट्री ने कदम रखा तो हम उसको पछाड़ गिराएंगे, वो जज्बा हम रखते हैं, और हम अपने हिंदुस्तान की पृथ्वी पर किसी को अपना हिस्सा बनाने की हिम्मत जुटाने में बिल्कुल हम उसको खदेड़ के बाहर कर देंगे। हमारे सैनिक माइनस डिग्री में खड़े होते हैं पहाड़ों के बीच में, फिर भी टिके रहते हैं हिंदुस्तान को बचाने के लिए। कुछ उन लोगों को संदेश देना चाहेंगे अपनी तरफ से? बिल्कुल, ये चाहूँगा उनकी बहुत हिम्मत है, इतनी माइनस टेम्परेचर में, -20, -30 डिग्री सेल्सियस में वो हमारे देश की, हमारे जो रह रहे हैं लोग हमारी सेवा करते हैं, उनके लिए मैं कहना चाहूँगा कि सल्यूट करता हूँ उन लोगों को, उन नौजवानों को जो इतनी मेहनत से, इतनी मुशक्कत से, खाने की तंगी होती है उनको, रहने की तंगी होती है, किस तरह से वो गुजारा करते हैं, तो मेरे लिए तो वो बहुत ही सुरक्षा कवच है, बेहतरीन है। कश्मीर एनेजमा ऑफ पैराडाइज क्या कुछ संदेश देगी हमारे देशवासियों को? संदेश देगी कि भाई हम चाहे थोड़े हों सेना के माध्यम से, अगर हम थोड़े हों और वहाँ पूरी की पूरी कंट्री अगर लड़ने के लिए आ जाए तो हम उनको खदेड़ के बाहर कर देंगे, लेकिन कदम रखने नहीं देंगे। यहाँ कबायली जो आए थे वहाँ से अटैक किया था, तो उधर हमारी सेना थी, सेना की टुकड़ी ने कैसा लगा उनके साथ काम करके? बहुत अच्छा, अतुल गर्ग जी बड़े सॉफ्ट और सीनियर डिसेंट लीजेंड डायरेक्टर हैं, उनके साथ काम करके बड़ा अच्छा लगा, और करते रहेंगे फिल्म का, अभी काफी काम बाकी बचा है एक्शन का। सर और दो चार कोई आपके जो फिल्म रिलीज हो उसका नाम बताना चाहेंगे? हमारी जो पिक्चर है अभी तबाही पिक्चर है, दबंग, दबंग राठौड़ सविता, लास्ट पिक्चर मेरी है जैसे सुपर 30 ऋतिक रोशन वाला था, उसके बाद में अभी फाइट का कराना बहुत बड़ा रिस्की होता है, आप डरते नहीं इस चीज से? नहीं, एक्शन तो हमारे ब्लड में है, बर्न में है, स्टार्टिंग से ही है, शुरू से ही हरियाणा सोनीपत से हैं, तो ये सब चीजें तो सब चीजें करते रहते थे, तो हमारा इंटरेस्ट था पूरे बॉलीवुड में जाकर के एक अच्छा काम करें, तो 15-16 साल की मेहनत के बाद एज एक्शन डायरेक्टर काम करने का मौका मिला। आप अपने गुरु का नाम बताना चाहेंगे फाइट मास्टर? हमारे गुरु जी हैं जो फाइट मास्टर हैं, अब्बास अली मुगल हैं, एलन अमीन सर हैं, उनके साथ काफ़ी काम किया है मैंने,
दर्शन सिंह है और इस फिल्म में दर्शन सफारी जो एक्टर काम कर रहे हैं उनके साथ आपने कोई सीन किया? किया, मेरा उसका सीन था, कश्मीर में शूट किया था। अच्छे से काम किया और वो सिक्वेंस के बाद अच्छे दोस्त भी बन गए हमारे दर्शन सफारी ने का। और यहाँ पे एक ऐसे सिक्वेंस किया बनाने का भी और अच्छा काम किया हमारे। अच्छा, काफ़ी बच्चे जो हैं आज के डेट में एक्टिव हो रहे हैं जो फाइट के लिए, लेकिन कोई जल्दी उसको रिहर्सल नहीं करता, सीख नहीं पाता, कोई आइडियाज नहीं मिल पाते हैं। बगैर आइडियाज के कई सीन वो लोग करते हैं, सिनेमा में शूटिंग करते हैं। कितना रिक्सी होता है इन चीज़ों को सबसे डिफिकल्ट है तो इसकी है वो एक्स नहीं है ठंडी कैसी लग रही है आपको आज? ठंडी है, ठंडी अभी इसलिए गरम गरम चाय चल रहा है। इसलिए गरम गरम कॉफी लेके ये भारी मात्रा में देख रहा हूँ क्राउड इकट्ठा है। क्या आपके यूनिट के लोग हैं क्या? हाँ, ये सब हमारे यूनिट के बंदे हैं, सारे बंदूक लेके खड़े हैं। सब बंदूक के साथ ही हमारे असिस्टेंट डायरेक्शन डिपार्टमेंट में बहुत अच्छे मेहनती लड़के हैं सुजी, और स्टार्टिंग से ये काम कर रहे हैं हमारे साथ में भी, और पूरा मैनेज ये सब कर रहे हैं। ये हमारी दूसरी मूवी है ना सर? हाँ, सेकंड दो मूवी हम साथ में। जरा बताएं कौन कौन लोग हैं और ये अहमद भाई हमारे जो एक मैन कैरेक्टर कर रहे हैं, जो कबायली अटैक जो हम दिखा रहे हैं ये कबायली बैठे तो कहीं हम लोग पाकिस्तान में तो कहीं नहीं आ गए हैं। नहीं नहीं, पाकिस्तान में ये सिर्फ हम फिल्म में दिखा रहे हैं कि ये पाकिस्तान और वो हिंदुस्तान, अच्छा इसमें ब्रिज है और ये कबायली जो अटैक करेंगे वहाँ पे जो हमने सेट किया है। लेकिन भाई साहब तो पाकिस्तानी कैरेक्टर में दिख रहे हैं। हाँ, एक तो मैं पाकिस्तानी हूँ। कबाली है जो 1947 में कबालियों ने अटैक किया था इंडिया पे। अच्छा, वो कुंकार लोग थे, मतलब सबको मार के रेप कर पुरा के। हाँ, धर्म नहीं था तो वो दे पीपल आर कमिंग विद देयर पूरे बटालियन के साथ, जिसमें मतलब ये आपकी बटालियन है? ये मेरी बटालियन है, जिस बहुत बहुत बड़े बड़े असलहे साथ में ले घूम रहे आप? तो हम लोग करीब बड़े बूढ़े बच्चे और औरतें सबको मारते हुए आए हैं। हाँ, जो दिखा उसको मार दिया, लूट लिया और खून खराबा करते हुए आके बस मारते पीटते सबको मारते पीटते हम लोग इस ब्रिज पे आए। सामने ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह की बटालियन है। हम लोग करीब 2500 लोग थे उस टाइम पे 1947 में जो कबाली अटैक हुआ था, गूगल पे भी आता है। और राजेंद्र सिंह बटालियन के साथ आए हैं अपनी, तो बटालियन देख के हम लोग उनको प्रोवोक करते हैं कि तुम लोग इतने कम हो और हम लोग इतने ज़्यादा हैं, हम ऑलरेडी बहुत नरसंहार करते हुए आ रहे हैं तो तुम लोगों को भी हम उड़ा देंगे। बट इन लोगों ने प्लानिंग करके नीचे बम लगा रखा है। जब हम लोग सब अपनी बटालियन के साथ आगे तक चले जाते हैं बिल्कुल उनके बिल्कुल एज पे उनकी सीमा में, तो वो फिर गन फायर से वो जैसे शोले पिक्चर में होता है नीचे उसमें वो गन करते हैं और वो उसके बाद पूरा ब्लास्ट कर देते हैं। अच्छा, ये तो हुई हिंदुस्तान पाकिस्तान के बॉर्डर की बात। अब चूंकि पाकिस्तानी कैरेक्टर में, अगर बात अगर हिंदुस्तान की आए और हिंदुस्तान के बॉर्डर पर तैनात होना पड़े तो क्या उसके बारे में कहना चाहेंगे? भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की। ये तो को भाई लोग पाकिस्तानी होकर भारत माता की जय लगा नारे लगा रहे हैं। दिस इज ऑल अबाउट मूवी, वी आर इंडियंस एंड हम लोग तो हिंदुस्तानी है। तो खास करके मैं आपके जो फाइट मास्टर जो फाइट करा रहे हैं उनके बारे में जानना चाहता हूँ, कैसा लगा आपके साथ वर्क करके? बहुत बढ़िया, और ही इज वेरी टैलेंटेड पर्सन। आई मीन जितने भी सीन हुए ऊपर भी, अगर आप उस टाइम पे थे नहीं थे, एक टीम था जिसके अंदर बहुत अच्छा सीक्वेंस था, तो ही इज वेरी टैलेंटेड पर्सन एंड वी विश ऑल द बेस्ट, विल ग्रो इन। इस फिल्म के डायरेक्टर अतुल गर्ग जी हैं, काफ़ी मजे हुए डायरेक्टर हैं, काफ़ी फिल्में किए हैं, उनके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? अतुल गर्ग जी बहुत ही उम्दा डायरेक्टर है और बहुत ही मतलब काबिल तारीफ काम है उनका। बहुत बारीकियों से काम करते हैं बेसिकली, और बहुत खुले विचार के व्यक्तित्व है। ऐसा नहीं है कि दबा के काम करा रहा है। उन्होंने जितना हम लोगों को स्पेस दिया है काम करने का, या जितना समझा है हमारी कैपेसिटी और कैपेबिलिटी को, वो मुझे लगता है कि काबिल तारीफ है। मतलब ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट डायरेक्टर आई हैव एवर सीन। आई हैव डन सो मेनी प्रोजेक्ट बट ही इज़ वेरी गुड। सर, आप अपना पूरा नाम बताएं और कहाँ के रहने वाले हैं? मैं रहने वाला राजस्थान का हूँ, अजमेर शरीफ का, और मेरा नाम है नितिन प्रकाश। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद जानकारी देंगे। थैंक यू सो मच, लव यू।
थैंक यू सर, थैंक यू। We'll be right back.